हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद विद एंड हियर आई एम बैक अनदर वीडियो तो दिस इज द फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सेमेस्टर सिक्स तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हर चैप्टर का जो भी बेसिक है वो आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाला है जितने भी आपके चैप्टर से उसके जो भी इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट बेसिक्स या क्रक्स ऑफ द चैप्टर है वो आपको एक फास्ट ट्रैक रिविजन के बेसिस पे मिलेगा मैंने काफ़ी सारे एम ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे एम प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है तो इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर नेट सेट एग्जामिनेशन तो अन एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पे रात को आठ बजे हर दिन लाइव सेशन होते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो लेक्चर्स होने वाले हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट सेट एग्जामिनेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर तो आज का जो सेशन है इसमें जो भी आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर सिक्स का वो सेमेस्टर सिक्स का सिलेबस का जो भी हर एक चैप्टर रहेगा उसका हर एक चैप्टर का जो बेसिक बेसिक पॉइंट है उसको आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके बेसिक्स को आपको ध्यान रखना है ताकि आपके जो भी एम होने वाले एम सी क्यूज़ तो बहुत सारे हमने प्रैक्टिस कर लिए एम सी तो बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल बेस भी एम सी कर लिए अगर वो भी आपने अभी तक नहीं देखे तो प्ले में सारी चीज़ें अवेलेबल है जाके देखें और आपका बेसिक्स उसमें से आपका क्लियर हो जाएगा तो शुरू करेंगे फास्ट ट्रैक रिविजन इसमें सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे एल जो चैप्टर है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू काफी सारे प्रोवाइड करके रखे हैं तो आपको एल नहीं मिलेगा बाकी सारे के सारे चैप्टर्स आपको इस पूरे फास्ट ट्रैक रिविजन में मिलेंगे तो शुरू करते हैं आज का सेशन फास्ट ट्रैक रिविजन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर सिक्स हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर फाइन सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स

So, इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक्स सीखेंगे वॉट इज द बेसिक्स रिलेटेड विद द फॉरन करेंसी पार्ट व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल बी एक्सपेक्टेड इन योर एग्जामिनेशन एंड द पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन और द बेसिक्स ऑफ द पार्ट which you have to remember while solving all the questions so all these points we are going to learn in much detail so dhyan se dekhte rahe aur agar aapko koi bhi query hoti hai to aap mujhe chat section mein pooch sakte hain और जैसे मैंने आपको कहा है कि हर एक chapter होने के बाद एक live session हम लेंगे तो उसी के बेसिस पे हम कंटिन्यू करेंगे तो शुरू करते हैं विद न्यू पॉइंट्स दैट इज फॉरेन करेंसी तो देखो अगर फॉरेन करेंसी की बात करें तो फॉरेन करेंसी का जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एक ही कंट्री के रिलेटेड रेस्ट्रिक्ट नहीं होता अगर हम बिजनेस बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो हम बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कर सकते हैं सो so, इस चैप्टर में आपको सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है एंड दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन ये बहुत सारे पेपर में ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन जो है दैट डील्स विद द फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन रिलेटेड कवर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डीन फॉरन करेंसी क्या है बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उस केस में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है बिकॉज हम जो पेमेंट रिसीव करेंगे वो फॉरेन करेंसी में होगा समझो इंडिया ने अमेरिका को गुड्स एक्सपोर्ट किए तो अमेरिका की करेंसी जो यूएस डॉलर्स है उसके बेसिस पे हमें पेमेंट रिसीव होगा तो दैट इज वाई ये फॉरेन करेंसी का कंसेप्टराइज होता है एक एक करके आगे पढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन डील्स विद द विदारेन करेंसी ट्रांजेक्शन सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इट इज वेरी इजी बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नोइंग दैट की वैन एवर वी आर सेलिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट एंड वेनएवर वी आर परचेजिंग सम गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट तो हम क्या करते हैं हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऐसे दो पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं एक है आपका एक्सपोर्ट दूसरा है आपका इम्पोर्ट जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब हम गुड्स का क्या करते हैं तब हम गुड्स का सेल करते हैं और हमें कैश जो है वो रिसीव होता है मतलब बैंक में हमारे पैसे इनफ्लो होते हैं अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो इम्पोर्ट में क्या करते हैं हम करते है। हम गुड्स को परचेज करते हैं व्हाट वी आर डूइंग हम गुड्स को परचेज करते हैं एंड सिमिलरली यहाँ पे हम कैश का क्या करेंगे यहाँ पे हम कैश का पेमेंट करेंगे तो कैश का क्या होगा यहाँ पे आउटफ्लो होगा ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर इज एवरेज रेट बिकॉज ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक है आपका एवरेज रेट दूसरा है क्लोजिंग रेट और तीसरा है आपका कंसेप्ट एक्सचेंज डिफरेंस देखो एवरेज रेट की बात करें तो एवरेज रेट क्या होता है एक होता है आपका ओपनिंग रेट और एक होता है आपका क्लोजिंग रेट अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग रेट को प्लस करके उसको डिवाइड कर दे टू से तो उसका एवरेज निकल जाएगा क्लोजिंग रेट क्या होता है क्लोजिंग रेट ये होता है कि जो क्लोजिंग करते वक्त जो रेट रहेगा वो आपका क्लोजिंग रेट माना जाएगा और एक्सचेंज डिफरेंस बेसिकली एक्सचेंज डिफरेंस की अगर बात करें तो जो रेट्स में डिफरेंसेस होते हैं जैसे आज मैंने एक्सपोर्ट किया तब रेट सेवेंटी फाइव था फिर अगर दो महीने के बाद मुझे पेमेंट मिला तब रेट सेवेंटी फाइव का सेवेंटी फोर भी हो सकता है या सेवेंटी फाइव का सेवेंटी सिक्स भी हो सकता है तो ये जो रेट में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं ये जो रेट में डिफरेंसेस आ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे एक्सचेंज डिफरेंस तो दैट इज द बेसिक पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर आगे बढ़ते हैं विच ट्रांजेक्शन नीड टू बी ट्रांसलेटेड ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिनको ट्रांसलेट करना जरूरी होता है अगर हम एक ही स्टेट में गुड्स बेचेंगे या अगर हम इंडिया में एक ही कंट्री में गुड्स बेचेंगे तो इसमें तो कोई फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है स्टेट में बेचो या कंट्री में बेचो सभी जगह पे करेंसी तो इंडियन रुपीस ही चलता है तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हमें ये चेक करना है कि हम कौन से कंट्रीज से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कौन से कंट्रीज के बेसिस पे गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन्वॉल्व इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन तो फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे सबसे पहले आपका इम्पोर्ट गुड्स तो वेन एवर यू आर इम्पोर्टिंग वेन एवर यू आर परचेजिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स देन दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड विद फॉरन करेंसी सेकेंड जो है दट इज कॉल्ड एस एक्सपोर्ट गुड्स तो वेन एवर यू आर एक्सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स दो दट इज ऑल्सो इनवाल्ड इन फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन बिकॉज यू आर सेलिंग द कमोडिटीज यू आर सेलिंग द गुड्स टू दी अदर कंट्रीज एंड यू आर रिसीविंग पेमेंट इन देअर करेंसी एंड विच विल बी फर्दर कन्वर्टेड इन टू आर करेंसी तो दैट इज वाई फॉरन करेंसी ट्रांजेक्श आर इन्वॉल्व ओवर हियर एंड नेक्स्ट पॉइंट इज परचेजिंग फिक्स गुड्स तो फिक्स अगर गुड्स कुछ परचेस कर रहे हो तो भी फॉरेन करेंसी हो सकता है टेकिंग लोन टू परचेज फिक्स अगर आप लोन ले रहे हो बेसिस तो में एक्सपोर्ट का ही सीखेंगे फिर एक्सपोर्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे देन इंपोर्ट में जाऊंगा ताकि आपको कंफर्टेबल हो जाए कि एक्सपोर्ट के रूल्स और इंपोर्ट के रूल आपस में मिक्सअप ना हो जाए इफ यू लर्न एक्सपोर्ट रूल्स फर्स्ट then it will be very easy for all of you to learn the import rules so that is why export rules we are concentrating first so export rules mein dekho sabse pehle kya hai the rate at which goods are exported is called as the base rate kafi important concept hai dhyan se samajhna isko to jo rate mein हम goods को export करते हैं उसे हम इस chapter में क्या कहते हैं उसे हम इस chapter में base rate के नाम से जानते हैं that is called as base rate. समझो मैंने आज अमेरिका को गुड्स बेचे और जो आज का रेट चल रहा है, तो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल हो जाएगा सेकेंड इज वेनेवर गुड्स आर एक्सपोर्टेड बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड ध्यान रखना मैंने कुछ सिंपल सिंपल ट्रिक्स आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं अगर आपको जर्नल एंट्रीज फ्रेमिंग में डिफ़िकल्टी होती है इफ़ यू आर फाइंडिंग जर्नल एंट्रीज एज डिफिकल्ट टास्क कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है तो ये कुछ सिंपल फंडाज है जो आपको याद रखना है ये सिंपल रूल से आप को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी तो जब कभी भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करना मतलब क्या करना एक्सपोर्ट करना मतलब सेल करना तो जब कभी भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा क्यों ऐसा डेबिट होगा देखो गुड्स को हम सेल करेंगे तो हमारे पास से गुड्स कहाँ जाएंगे फॉरेन कंट्री को जाएंगे फॉरेन कंट्री को जाएंगे फॉरेन कंट्री से हमारे पास क्या आएगा हमारे पास फॉरेन कंट्री से कैश आएगा तो कैश हमारे पास आ रहा है हमसे गुड्स जा रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन व्हाट इज कमिंग इन कैश इज कमिंग इन बट कैश आपको डायरेक्टली कैश नहीं मिलेगा वो बैंक में जमा होगा इसीलिए बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा तो आपको याद रखना है बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अगर इम्पोर्ट की बात करें तो इसके रिवर्स होगा लेकिन इम्पोर्ट अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करते हैं अगले बार जब इम्पोर्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसमें डिस्कशन हम कर लेंगे जाता है डिफरेंस इन एक्सचेंज इजरेट अकाउंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ध्यान रखना अभी आपके पास एक नया नाम आ रहा है जो आपको इस चैप्टर में बार बार याद रखना है और बार बार ये नाम लिया जाएगा तो जो भी आपके डिफरेंस होंगे ट्रांजेक्शन्स में ये फॉर एग्जाम्पल आपने सेवेंटी फाइव रुपीज पर डॉलर में एक्सपोर्ट किया और जब पेमेंट हुआ तब पेमेंट हुआ सेवेंटी फोर पर डॉलर में तो ये सेवेंटी फाइव और सेवेंटी फोर में जो एक रुपये का डिफरेंस आया है ये डिफरेंस एक सेपरेट लेजर में ट्रांसफर होगा एंड सेपरेट लेजर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट विच इज कॉल्ड एज एफ ई एफ अकाउंट तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में जैसे हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करते थे सिमिलरली यहां पे आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिसको हम शॉर्ट में एफ ई एफ नाम से जानेंगे सो वॉट एवर डिफरेंस भले वो इम्पोर्ट में डिफरेंस हो भले वो एक्सपोर्ट में डिफरेंस हो इंपोर्ट में डिफरेंस हो या एक्सपोर्ट में डिफरेंस हो आपको कहां ट्रांसफर करना है आपको ट्रांसफर करना है एक सेपरेट अकाउंट में जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के नाम से जानते हैं ये एक टेम्पररी अकाउंट इसी चैप्टर के लिए प्रिपेयर किया जाता है बाद में फिर इसका जो बैलेंस होता है दैट इज बीन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट आपको याद रखना वेदर देर इज एनी प्रॉफिट वेदर देर इज एनी लॉस कोई भी प्रॉफिट हो कोई भी लॉस हो यही पे ट्रांसफर वो हो फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका थर्टी फर्स्ट मार्च का देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर थर्टी फर्स्ट मार्च को क्लोज होते हैं तो थर्टी फर्स्ट मार्च को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे तो एक नया कंसेप्ट इमर्ज कर होता है और दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन करना मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी आपको पूरा का पूरा पेमेंट थर्टी फर्स्ट मार्च तक दे देगा आपकी पार्टी आपको पूरा का पूरा पेमेंट थर्टी फर्स्ट मार्च तक नहीं देता होगा तो फिर वैल्यूएशन का कंसेप्ट आता है समझो आपको एक लाख का आपने गुड्स बेच दिया उसमें सेवेंटी फाइव थाउजेंड की पेमेंट थर्टी फर्स्ट मार्च के पहले तक आ गई रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की पेमेंट उन्होंने दो महीने बाद पेमेंट की मतलब मई महीने में पेमेंट की तो अभी प्रॉब्लम ये अराइज होगा कि थर्टी फर्स्ट मार्च को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे तब एक कंसेप्ट इमर्ज जो कि आता है दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन करना तो ये मैं आपको अभी थियरटिकली समझा रहा हूं इसको हम प्रैक्टिकल के बेसिस पे समझेंगे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा ताकि काफी इजी तरीके से क्लियर हो लेकिन याद रखना वैल्यूएशन कब होता है सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वैल्यूएशन क्यों करना है और ये वैल्यूएशन कब होता है वैल्यूएशन क्यों करना है बिकॉज थर्टी फर्स्ट मार्च को वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सिंस वी आर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी नीड टू चेक दैट वेदर एनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट इज ड्यू आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च इफ यूअर आंसर इज येस देन वैल्युएशन कम्स तो ही वैल्यूएशन होगा ये आपको ध्यान रखना है और वैल्यूएशन करते वक्त जो भी आपका डिफरेंस होगा विल बी टू अकाउंट सिमिलर रूल है जहां इस चैप्टर में एक ही रूल याद रखना है आपको कि कोई भी डिफरेंस कहीं पे भी अराइज होता है तो उसे हम एफ एफ के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर लेंगे फर्दर व्ड एवर बैलेंस इज अवेलेबल इन दी एफ एफ अकाउंट तो जो एफ एफ अकाउंट में बैलेंस तो होता है वो थर्टी फर्स्ट मार्च को फिर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ध्यान रखना है आपको दिस इज ऑल्सो वन काज द बैलेंस ऑफ एफ पी एफ अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट द बैलेंस ऑफ एफ अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है तो अभी हम कुछ जनरल एंट्रीज देखते हैं फिर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूंगा तो ये आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एक्सपोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्ट का बेसिक अभी बाकी है वो तो हम पहले एक्सपोर्ट के क्वेश्चन कंफर्टेबल हो जाएंगे we'll so, जो आपको याद रखना है जर्ल एंट्री बाहर नहीं करना है मैं आपको बताता हूं इसको किस किस तरीके से याद रखना है तो सबसे पहला जो एंट्री होगा दैट इज रिगार्डिंग फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स वी आर एक्सपोर्टिंग गुड्स हम गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे पास से गुड्स सामने वाले के पास गए इसलिए आपका एंट्री है पार्टीज अकाउंट डेबिट पार्टीज मतलब सामने वाले पार्टी का नाम लिखना है हमको या फिर सामने जो भी करेंसी होंगी उनको इंडियन रूपीज में कन्वर्ट करके लिखना है तो एक्सपोर्ट का कोई भी ट्रांजेक्शन हो आपकी शुरुआत यही से होगी एक्सपोर्ट का फर्स्ट एंट्री हमेशा यही होगा एंड दैट इज फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स एंट्री विल बी पार्टीज अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट अमाउंट लेके सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमें करने ही है सेकेंड जो एंट्री होने वाला है दैट इज फॉर इंस्टॉलमेंट रिसिव तो इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा इंस्टॉलमेंट मिलने का क्या एंट्री है इंस्टॉलमेंट मिलने का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट मैंने अभी आपको बेसिक्स में बताया था कि एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स में हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट ये आपका फिक्स एंट्री है लेकिन एक नोट दिख रहा है यहाँ पे नोट ये कहना चाहता है इन दी अब एंट्री एफ अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट और लॉस तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि रेट था 74 या 75, जो रेट था आपका तो देखो 75 अगर रेट है या सेवेंटी फोर बन गया डिफरेंस जो था एक रुपए का वो हमने देखा कि कहाँ ट्रांसफर होगा दैट इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एस एफ राइट सो तो एफ एफ अकाउंट यहाँ पे लिखा है डेबिटेड और एफ एफ अकाउंट अगर होगा क्रेडिट है डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट लॉस सिंपल रूल है इसका अगर कभी आपको ट्रांजेक्शन में प्रॉफ़िट दिखता है उसका मैं बेसिक रूल आपको दे दूंगा काफ़ी इजी है मैंने एक ट्रिक बनाई है ताकि प्रॉफिट लॉस में भी आप कन्फ्यूजन में ना रहो अगर प्रॉफिट होता है तो आपको याद रखना है अगर प्रॉफिट होता है तो आपको ये याद रखना है कि एफ एफ अकाउंट क्रेडिट होगा अगर लॉस होता है तो आपको याद रखना है एफ अकाउंट हमेशा डेबिट होगा ये बेसिक रूल है ये बेसिक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है दैट विल बी इंपॉर्टेंट तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स टू कम मोर एग्जाम्पल्स और वैल्यूएशन मेड अगर वैल्यूएशन करेंगे वैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होगा पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एफ देखो प्रॉफिट में एफ एफ क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है अभी मैंने आपको बताया और अगर लॉस होगा तो लॉस में आपका एंट्री होगा एफई अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट ठीक है फिर एक क्लोजिंग का एंट्री होता है क्लोजिंग का एंट्री जब हम सॉल्व करेंगे तब तो सीखेंगे एक अभी एग्जाम्पल लिया है तो एक्जाम्पल से थोड़ा समझा दो आपको दैट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे देखो ए बी लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किए गुड्स कितने डॉलर के फिफ्टी थाउजेंड डॉलर के तो यहाँ पे बे, बेस रेट सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बेस मैंने आपको क्या बताया था जिस दिन एक्सपोर्ट करेंगे उस दिन का बेस रेट जनवरी फर्स्टी वन सेवेंटी फिफ्टी थाउजेंड का और सिंपल एग्जाम्पल एंड पेमेंट वॉज रिस ऑन फिफ्टीन फेब्रुआरी तो थर्टी फर्स्ट मार्च के पहले सब कुछ मिल गया वैल्यूएशन का कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कंफर्टेबल हो जाए जनरल एंट्री के साथ बताता हो देखो कैसे होगा बेस रेट क्या आपका सेवेंटी 5 रुपीज है तो बेस रेट कितना है सेवेंटी फाइव है कितने डॉलर का पेमेंट है फिफ्टी थाउजेंड डॉलर का एक्सपोर्ट किया बी लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया वेस्ट जर्मनी को तो हमारा एंट्री क्या बनेगा हमारा एंट्री बनेगा वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट ठीक है जनरल एंट्रीज हम सीखने ही वाले लेकिन ये आपको एग्जाम्पल के लिए देखो कैसे करना है फिफ्टी थाउजेंड डॉलर है क्या है आपका बेस रेट सेवेंटी फाइव है आपका बेस रेट तो फिफ्टी थाउजेंड को अगर सेवनटी फाइव से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू मिल जाएगी थर्टी सेवन लाखी थाउजेंड तो डेबिट साइड में भी थर्टी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड क्रेडिट साइड में भी थर्टी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड दिस इज दी फर्स्ट एंट्री और ये आपकी कौन सी एंट्री है फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स मैंने आपको अभी एंट्री बताई थी

तो जब हमने एक्सपोर्ट किया तब रेट था सेवेंटी फाइव और जब हमें पैसे मिलेंगे तब रेट कितना है सेवेंटी सिक्स तो क्या हो रहा है रेट बढ़ रहा है बराबर है रेट क्या हो रहा है रेट बढ़ रहा है अगर रेट आपका बढ़ेगा यहाँ आप पे दिख रहा है रेट बढ़ रहा है अगर रेट बढ़ेगा तो क्या होगा आपको रेट बढ़ेगा तो आपको होगा प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होगा तो आपको क्या बताया था मैंने प्रॉफिट होगा तो एफ अकाउंट क्या होता है प्रॉफिट होगा तो एफ एफ अकाउंट क्रेडिट होगा ध्यान से तो देखो एंट्री कैसे कर रहा हो पहले एंट्री कर लेंगे एंट्री है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट क्यों बैंक अकाउंट डेबिट पैसे मिलने वाले हैं ना और बताया था मैंने कि एक्सपोर्ट में हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट और टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट ठीक है अभी देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है काफी सिंपल है सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारे इंस्टॉलमेंट रिसिव का देखो फिफ्टी थाउजेंड का इंस्टॉलमेंट कौन से रेट से मिल रहा है फिफ्टी थाउजेंड का इंस्टॉलमेंट हमें मिल रहा है सेवेंटी सिक्स के रेट से तो क्या करना है फिफ्टी थाउजेंड को मल्टीप्लाई करना है सेवेंटी सिक्स के साथ फिफ्टी थाउजेंड को सेवेंटी

एक्सपोर्ट सेल्स लिखा आप पे पे आप एक्सपोर्ट सेल्स नहीं जस्ट वन सेकेंड इधर एफ एफ लिखा, क्या लिखा? आपको लिख टू एफई अकाउंट के लिए एफईफ में ही प्रॉफिट ट्रांसफर होता है so, तो मैंने गलती से ऊपर का ही वैल्यू लिख दिया दैट इज एफ अकाउंट दैट इज फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट टू अकाउंट छोटा सा एग्जाम्पल था आई होप कि आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ रहेगा अगर कोई भी क्वेरी आपको आती है मुझे चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं ताकि आपको इसके बेसिक्स जो प्रॉब्लम्स है वो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाए एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वेरी सिंपल टू स्कोर एंड यू कैन स्कोर इजिली फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर तो हमने फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ए एस इलेवन का जो चैप्टर था हमारा दैट वॉज बीन कम्प्लीटेड आई हैव ऑल्सो गिवन यू समैक्टिस क्वेश्चन तो पी डी एफ आपने डाउनलोड कर लिया होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहे ताकि जितने भी बेसिक्स है चैप्टर से रिलेटेड वो सारे आपके रिवाइज हो सके तो आज हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर सेकेंड के साथ एंड चैप्टर नंबर सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड एज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अंडर राइटिंग of shares and debentures so that the chapter will be very much easier for you to understand and the practical questions will be on your fingertips then so First of all, we will understand what is underwriting. pehle hum ye samajhte हैं ki underwriting ka meaning kya hai अब underwriting का meaning अगर आपको समझ में आ गया तो ये chapter बहुत easy है. और underwriting का meaning समझाने के लिए we'll be taking an example. ट तो आपका थोड़ा सा जो तो पॉइंट है वो क्लियर हो सके देखो अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल लेंगे सो दैट आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए एक कंपनी है देर इज कंपनी एंड वी विल टेक द नेम ऑफ द कंपनी एज एक्स वाई जेड कंपनी एक्स वाई जेड नाम की एक कंपनी है जो नई कंपनी है न्यू कंपनी है और ये जो एक्सवाई जेड नाम की कंपनी है ये मार्केट में शेयर्स इशू करना चाहती है एक्सवाई जेड कंपनी वॉन्ट्स टू इशू शेयर्स इन द मार्केट दे वॉन्ट टू इशू द पब्लिक तो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन यूर माइंड शेयर्स इशू करना पब्लिक को क्या इतना सिंपल है आप जानते ही है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर्षद मेहता स्कैम आपने देखा ही होगा वेब सीरीज तो बहुत सारे इसमें पॉइंट अराइज होते हैं के बहुत सारे गाइडलाइंस है बहुत सारे रूल्स है बहुत सारे रेगुलेशंस है अगर हम बात करें तो क्या है बहुत सारा रिस्क है बहुत सारा रिस्क है इसका रिस्क है नॉन सब्सक्रिप्शन का रिस्क है इसका रिस्क है नॉन सब्सक्रिप्शन का रिस्क है मतलब अगर हमने शेयर्स इशू करने चाहे और जो पब्लिक थी उन्होंने हमारे शेयर्स को परचेज ही नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा और ये प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे कंपनी का जो गुडविल होगा एक्स वाई जेड का जो गुडविल होगा वो मार्केट में कम होगा दैट इज वाई देर इज अ प्रॉब्लम दैट वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स टू इश्यू शेयर टू द पब्लिक देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉन सब्सक्रिप्शन ये सबसे बड़ा इशू फेस होता है नॉन सब्सक्रिप्शन का और अगर हम एक नए रूल की बात करें जो इंडियन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में आया लाया है एंड दैट इज कि नाइन्टी परसेंट ऑफ द शेयर्स जो है नाइन्टी परसेंट ऑफ द शेयर्स जो होंगे जो तो इशूड होंगे अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुए नाइन्टी परसेंट सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर 90% परसेंट ऑफ द शेयर जो इशू हुए वो सब्सक्राइब नहीं हुए विद इन वन ट्वेंटी डेज एक सौ बीस दिन के अंदर अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुए तो जितने भी पैसे हमें मिले होंगे जितने भी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे शेयर्स परचेज करने के लिए उनका फुल अमाउंट हमें रिफंड करना पड़ता है फुल अमाउंट शुड बी रिफंडेड वेन इट विल बी रिफंडेड इफ नाइंटी परसेंट ऑफ द इशू इज नॉट सब्सक्राइब विद इन वन ट्वेंटी डेज एक सौ बीस दिन के अंदर अगर सब्सक्रिप्शन नाइन्टी परसेंट का नहीं हुआ तो पूरा का पूरा पैसा हमें रिफंड देना पड़ेगा एंड दैट इज वाई देर इज लॉड ऑफ रिस्क और ये जो रूल आया है टू थाउजेंड थर्टीन के इंडियन कंपनीज एक्ट में उसके वजह से प्रॉब्लम अराइज होता है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करना चाहेगा तब सबसे पहला तो प्रॉब्लम होता है नॉन सब्सक्रिप्शन का सेकेंड जो प्रॉब्लम होता है वो ये रूल है नहीं 90 परसेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए एक सौ बीस दिन के अंदर वरना सारा का सारा पैसा हमको रिफंड करना पड़ेगा फिर इधर होती है हीरो की एंट्री और जो हीरो है हमारे लिए इस चैप्टर में वो है कुछ पर्सनस चलो हम पर्सन से एग्जाम्पल लेंगे हम जो हमारे लिए यहाँ पे हीरो है तीन लोग एक है हमारा ए सेकेंड है हमारा बी और थर्ड है हमारा सी ये लोगों का मार्केट में काफी अच्छा होल्ड है ये लोग मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है काफी काफी अच्छे रिलेशन है दे कैन बी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दे कैन बी पार्टनरशिप दे कैन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु हैव अ लॉट ऑफ होल्ड इन द मार्केट हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू मार्केट एवरीबडी नोज देम पॉइंट अराइजेस तो ये तीन लोग हमारे लिए हीरो बन गए ये तीन लोगों ने कंपनी को क्या कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आप डायरेक्टली अगर मार्केट में इश्यू करने जाओगे पब्लिक को तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी कि नॉन सब्सक्रिप्शन हो सकता है और जो नाइन्टी परसेंट वाला रूल है वो आपको प्रॉब्लम देगा तो इसीलिए कंपनी क्या करता है कंपनी इन पर्सन के पास जाता है और इन पर्सन को बोलता है कि आप हमारे शेयर्स को परचेस कर लो आप गारंटी ले लो तो ये पर्सन कहते हैं कि हम आपके शेयर्स को बेचने की गारंटी लेते हैं और क्या करते हैं एक एग्रीमेंट कर लेते हैं डूइंग एन एग्रीमेंट तब कंपनी क्या करता है कंपनी इन लोगों के पास जाता है बिकॉज इनका काम ही वो है कि शेयर्स को सब्सक्राइब करके देना बिकॉज एवरीबडी नोज देम वो लोग कंपनी के बिहाफ पे शेयर्स को मार्केट में बेचेंगे और ये जो नाइन्टी परसेंट वाला रूल है कंपनी फसना जाए या नॉन सब्सक्रिप्शन के क्लॉज में फंस ना जाए इसलिए दे विल टेक द गारंटी सो सिंस दे आर टेकिंग अ गारंटी देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द पर्सन तो इन्हीं पर्सनस को बोला जाता है अंडर आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इन्हीं पर्सन को बोला जाता है अंडर राइटर्स एंड एवरीबडी नोज दैट कोई भी आज फ्री में काम नहीं करता तो इनको क्या कंपनी के बेसिस पे इनको कमीशन दिया जाता है कंपनी विल पे देम कमीशन एंड दिस कमीशन इज कॉल्ड एज अंडर राइटिंग कमीशन इसको क्या बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज अंडर राइटिंग कमीशन तो अंडर राइटिंग कमीशन ये कमीशन कंपनी पेमेंट करेगा उन पर्सन को अब ए बी और सी हमारे लिए इस चैप्टर के हीरो है अंडर राइटर्स दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग द शेयर टू द पब्लिक एंड कंपनी प्रॉब्लम में ना फस जाए नॉन सब्सक्रिप्शन के या फिर जो हमारा रूल है उसमें ना फस जाए इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कंपनी के बेसिस पे शेयर्स को बेचने का एक टारगेट लेते हैं कि हम इतने इतने शेयर्स को बेचेंगे तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैं आपको और एक पॉइंट इसमें बताता फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंपनी थी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये जो कंपनी थी ये टू लैख शेयर्स इशू करना चाहती थी दे वॉन्ट टू इशू टू लैख शेयर्स ठीक है टू लैख शेयर्स इशू करना चाहती थी ए ने कहा आई विल बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर सेल वन लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर मतलब ए, ए ने क्या कहा है कि मेरा में इतना होल्ड है कि मैं एक लाख पचास हजार शेयर आपके बेच दूंगा थीके? फिर बी ने कहा मेरा एज इतना होल्ड नहीं है लेकिन मैं आपके थर्टी थाउजेंड शेयर को बेचूंगा आई विल बी सेलिंग यूर थर्टी थाउजेंड शेयर सिमिलरली सी ने क्या कहा आई विल बी सेलिंग यूर ट्वेंटी थाउजेंड शेयर ठीक है मतलब इन तीनों ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि जेड कंपनी था टू सेल थर्टी थाउजेंड शेयर्स एंड सी विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल ट्वेंटी थाउजेंड शेयर अगर ए वन लैख फोर्टी थाउजेंड ही शेयर्स को बेच पाया तो जो दस हजार शेयर्स है वो ए खुद परचेस कर लेगा मतलब कंपनी

दे आर चार्जिंग कमीशन दे आर चार्जिंग वॉट दे आर चार्जिंग कमीशन और एज पर दू थाउजेंड थर्टीन कमीशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है अगर हम शेयर्स की बात करें तो फाइव परसेंट ऑन शेयर्स कमीशन मिलेगा मतलब अंडर राइटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा और अगर डिबेंचर्स की बात करें तो थोड़ा सा रिस्क कम है तो टू पॉइंट फाइव परसेंट डिबेंचर्स पे कमीशन हमें पेमेंट करना पड़ेगा अंडर राइटर्स एंड याद रखना ये जो दो जो कमीशन की बात करेंगे हम कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑन इशू प्राइस जो भी आपकी इशू प्राइस होगी पे कमीशन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा अब वन लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स ए ने बोला कि आई विल बी टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी बी ने थर्टी थाउजेंड शेयर्स और सी ने ट्वेंटी थाउजेंड शेयर अब मार्केट में शेयर्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी अब मार्केट में शेयर्स इन्होंने बेचना शुरू कर दिया अब कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ए ने कितने शेयर्स बेचे हैं ए ने कहा था वन लैक फिफ्टी लेकिन बाद में सब कुछ मिक्स हो जाएगा ए ने बेचे बी ने बेचे या सी ने बेचे किस तरीके से पता चलता है तो उसके लिए क्या होता है उसके लिए ए जब अपने शेयर्स को बेचेगा तब उसके ऊपर ए का स्टैंप मार के देगा ए विल पुट हिज स्टैंप सो दैट इट विल बी एन आइडेंटिफिकेशन फॉर द कंपनी कि इतने शेयर्स ए ने बेचे बी अपने शेयर बेचेगा तो बी भी उसका एक स्टैंप करके देगा कि दिस इज माई स्टैम्प सो दैट कंपनी शुड नो एंड सिमिलरली इट विल बी डन आल्सो वो भी अपना एक स्टैंप कंपनी को पता चलना चाहिए इसके बेसिस पे देगा अब ध्यान से कंसेप्ट समझना जिस शेयर्स पे किसी भी अंडर राइटर्स का स्टैंप होगा उसे हम इस चैप्टर में कहते हैं मार्क एप्लीकेशंस इट इज कॉल्ड एज मार्क एप्लीकेशंस मतलब मार्क एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि इतने शेयर्स किसी न किसी अंडर राइटर्स ने सेल किए हैं जिस किसी का भी उसके ऊपर स्टैम्प होगा वो स्टैम्प के बेसिस पे पता चलेगा कि इतने शेयर्स ए ने सेल किए इतने शेयर्स बी ने सेल किए सिमिलरली द प्रोसीजर गोज ऑन और जिस किसी एप्लीकेशंस पे किसी का मार्क नहीं होगा उसे हम कहेंगे अनमार्क एप्लीकेशन्स दिस इज दंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स काफी सिंपल तरीके से मैं आपको इसका समझाया है आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट कि अंडर राइटर्स का रोल क्यों आता है अंडर राइटर्स का रोल इसीलिए आता है कि कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को शेयर्स बेचने जाएंगे तो देर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ नॉन सब्सक्रिप्शन एंड देर विल बी ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ नाइनटी परसेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन होना चाहिए नहीं हुआ एक सौ बीस दिन के अंदर तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा इसीलिए रोल आता है अंडर राइटर्स का तो अंडर राइटर्स क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपके शेयर्स को बेच के देंगे उसके बदले में आप हमें कमीशन देना एंड दैट कमीशन इज कॉल्ड एज अंडर राइटिंग कमीशन तो कभी कभी एक पॉइंट अराइज होता है यहाँ पे कि अंडर राइटर्स कहते हैं कि हम आपके शेयर्स पब्लिक को नहीं बेचेंगे हम आपके शेयर्स खुद ही परचेस कर लेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज दी फर्म अंडर राइटिंग वो हम आगे कंसेप्ट सीखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किया है अब काफी इजी जाएगा आपको समझने के लिए वॉट इज अंडर राइटिंग देखो एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड सर्टन पार्टी नोन एज अंडर राइटर तो अभी हमने कंसेप्ट से समझ लिया है कि एग्जाम्पल से Concept क्या है अंडर राइटर एग्रीज टू टेक अप द द होल और पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज मे नॉट बी अपरिटीज बाई पब्लिक फॉर द एग्रीड विच इज नोन एज अंडर राइटिंग कमीशन ऑब्वियसली अंडर राइटर फ्री में काम तो करने वाले हैं नहीं जो भी वो एग्रीमेंट कंपनी के साथ करते हैं जो भी शेयर्स बेचने का काम करते हैं उसके बदले में दे चार समथिंग एंड द समथिंग इज कॉल्ड एज अंडर राइटिंग

जो है वो ए ने भेजे हुए है तो उसके लिए ए जो एप्लीकेशन पे मार्क कर लेगा खुद का स्टैंपिंग कर लेगा एंड दैट इज इट इज कॉल्ड एज मार्क एप्लीकेशन तो ऐसे एप्लीकेशन जिसके ऊपर अंडर राइटर का मार्क होता है दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड एज मार्क एप्लीकेशन और ऐसे एप्लीकेशन जिसके ऊपर कंप किसी का भी मार्क नहीं होता दैट इज कॉल्ड एज अनमार्क एप्लीकेशन सो अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं अनमार्क एप्लीकेशन

उसका भी बेनिफिट कंपनी क्या करता है खुद के पास नहीं रखता बिकॉज अंडर राइटर ने बोला था कि हम इतने इतने शेयर्स बेचेंगे इसलिए जो जिस शेयर्स के ऊपर किसी भी अंडर राइटर का मार्क नहीं होता उसका भी बेनिफिट अनमार्क एप्लीकेशन का भी बेनिफिट कंपनी क्या करता है अंडर राइटर्स को ही देता है उनके ग्रॉस लाइबिलिटी का जो रेशियो होता है उसके बेसिस पे सबको उसका बेनिफिट मिल जाता है तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग की बात करेंगे इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डिटेल में डिस्कस करने वाले कंडीशनल अंडर राइटिंग कंडीशनल अंडर राइटिंग की बात करेंगे तो अंडर राइटिंग एग्रीज टू टेक एग्रीड प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन बाई द पब्लिक मतलब कुछ प्रपोर्शन ऑफ शेयर यहां पे अंडर राइटर्स लेने का काम करेंगे दैट इज कॉल्ड एज दी कंडीशनल अंडर राइटिंग लाइबिलिटी ऑफ द अंडर इस कंडीशनल ही इज लाइबल ओनली व्हेन द इशू इज अंडर सब्सक्राइब वो लोग लाइबल होंगे कभी लाइबल हो, लाइबल होंगे तभी जब कंपनी का इशू जो रहेगा वो अंडर सब्सक्राइब होगा अगर इशू सब्सक्राइब हो जाएगा फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा तो अंडर राइटर का रोल नहीं आएगा लेकिन अगर इशू अंडर सब्सक्राइब होगा तो अंडर राइटर कहेंगे कि बाकी के शेयर्स हम लोग परचेस कर लेंगे सेकेंड होता है फर्म अंडर राइटिंग फॉर्म अंडर राइटिंग में मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग में क्या होता है अंडर राइटर्स कहते हैं कि इस कंपनी में मैं ही खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं ही आपके शेयर्स परचेस कर लेता हूं मैं किसी बाहर वाले पब्लिक को ये शेयर्स नहीं बेचूंगा दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म अंडर राइटिंग अगर बात करें तो नेक्स्ट इज फुल तो फुल अंडर राइटिंग की बात करेंगे तो वेन दर इजर इट इज कॉल्ड एज फुल मतलब एक लाख शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाहता था पूरा का पूरा इश्यू अंडर राइटर ने अंडर रिटर्न कर लिया है तो उस केस में इट इज कॉल्ड एज फुलर राइटिंग ऐसे केस में जो बेनिफिट होता है वो अंडर राइटर को ही दिया जाता है एज पर द ग्रॉस लाइबिलिटी इन सच अ केस बेनिफिट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन इज गिवन टू दंडर राइटर्स इन द रेश ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी तो मैंने आपको पहले भी कहा था फुल अंडर राइटिंग उसके बाद होता है पार्शल अंडर राइटिंग पार्शल मतलब क्या होता है वेन ओनली अ पार्ट ऑफ द इश्यू इज अंडर रिटर्न तो कुछ पार्ट ही अंडर रिटर्न है पार्शल अंडर राइटिंग उसे हम कहते हैं दैट इज द पॉइंट इन सच अ केस द बेनिफिट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन इज गिवन टू द कंपनी फर्स्ट ऐसे केस में अनमार्क एप्लीकेशन का जो भी बेनिफिट होगा वो कंपनी को पहले दिया जाता है और बाकी अगर कुछ सरप्लस बचता है फिर अंडर में उनके ग्रॉस लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड होता है दिस इज ऑल थेरोटिकल कंसेप्ट मैंने तो आपको एग्जाम्पल से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है आई होप कि एग्जाम्पल से ही आपको सब कुछ समझ में आया होगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते रहेंगे इसका जो हमने कंसेप्ट आज पढ़े हैं नेक्स्ट इज सोल अंडर राइटिंग सोल अंडर राइटिंग का मतलब द इशू इज अंडर बाय ओनली वन अंडर राइटर सिर्फ एक ही अंडर राइटर है मैंने आपको तीन अंडर राइटर्स का एग्जाम्पल लेके बताया था अगर एक अंडर राइटर रहेगा तो उसे हम सोल अंडर राइटिंग कहेंगे नेक्स्ट इज ज्वाइंट अंडर राइटिंग ज्वाइंट मतलब दो तीन जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था तीन अंडर राइटर्स का तो तीन अंडर राइटर्स रहेंगे दो अंडर राइटर्स रहेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज ज्वाइंट अंडर राइटिंग वी हैव कंप्लीटेड द टू टॉपिक्स

कि में आपको क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी है, liquidation of companies actually होता क्या है वो तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अगर बात करें तो मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन देखते हैं देखो लिक्विडेशन एक लीगल प्रोसीजर है बहुत बड़ा प्रोसीजर है जिसमें हम कंपनी को कंपनी का जो एक्जिस्टिंग बिजनेस है उसको अभी हम खत्म करेंगे मतलब हम अभी क्या करेंगे सारे के सारे जो हमारे है, उसको सेल ऑफ कर लेंगे और सेल ऑफ करने के बाद वॉट एवर लाइबिलिटीज आपको ध्यान रखना है वाइंडिंग अप एंड सेल्ड एस डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन मतलब वो तो एक एंड स्टेज हो जाएगा जहां पे हम बिजनेस को बंद करने वाले क्लोज करने वाले सो वाइंडिंग अप आपको एक वर्ड याद रखना है बिकॉज वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन कॉमनली बार बार यूज किए हुए जाने वाले कंसेप्ट है तो ये लिक्विडेशन कैसे होता है बिकॉज हमने आ, पहले भी आपने आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि कंपनी फॉर्म करने के लिए देर आर सर्टन प्रोसीजर्स कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ ऐसे आपने पढ़ा था मतलब कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें सर्टन प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं वी हैव सर्टन स्टेप्स जैसे कि प्रमोशन स्टेज है इनकॉर्पोरेशन स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है एंड वी हैव द ट्रेडिंग सर्टिफिकेट स्टेज इसीलिए जब हम कंपनी को क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा सर्टन प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा तो देर शुड बी सर्टन प्रोसीजर्स फॉलोड द सर्टन प्रोसीजर्स विच आर बेसिकली फॉलोड Uh, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे वही हमारा चैप्टर uh, है कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज अगर आप बिजनेस को बंद करना चाहते हैं या फिर आपकी कंपनी को आपको क्लोज करना है तो क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे किस तरीके से उसको हम क्लोज कर पाएंगे किस तरीके से हम उसको वाइंड अप कर पाएंगे क्लोजर कर पाएंगे वो सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है तो so, लिक्विडेशन एक बड़ा स्टेप हो जाएगा लीगल uh, प्रोसीजर इसमें काफी सारे फॉलो करने पड़ते हैं रिलेटेड टू पार्ट ऑफ टू थाउजेंड सिक्सटीन बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है इन्सोल्वेंसी एंड बैंक कोड के बारे में भी बताऊंगा और कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसमें लिक्विडेशन फॉलो होता है वाइंडिंग अप का प्रोसीजर फॉलो होता है और एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो पर्सन ये सारे एक्टिविटीज को करेगा उसको हम लिक्विडेटर के बेसिस पे जानेंगे सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप देखेंगे तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे अप हो सकता है तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ अप तो सबसे पहले दो पॉइंट्स है एक है आपका कंपलसरी वाइंडिंग अप मतलब आपको कोर्ट का परमिशन कोर्ट के बेसिस पे आपको आपकी बिजनेस को बंद करना है वाइंड अप करना है यहाँ पे अब अगर मैं कोर्ट की बात करूँ ट्रिब्यूनल की बात करूं तो यहाँ पे हमेशा एनसीएल का नाम लिया जाएगा एनसीएल काफी इंपॉर्टेंट है एनसीएल इज कम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर द कंपनीज तो इफ द कंपनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इफ द कंपनी इज सिक

पे करने के लिए एबल नहीं है वो अभी जो उनके लाइबिलिटीज है जो उनके डेट्स है वो पे नहीं कर सकता सिंस वो कंपनी वो पेमेंट pay, नहीं कर पाएगा तो इसीलिए फिर कोर्ट क्या करेगा कोर्ट कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट कॉल डैस इन एबिलिटी टू पे डेट्स द सेकेंड पॉइंट इज ग्राउंड अदर दैन इनएबिलिटी टू पे डेट्स अदर दैन इनएलिटी टू पे डेट्स में बहुत सारी चीजें कवर होती है हम डिस्कस करेंगे जिसमें वाइंडिंग अप ऑफ ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट आता है तो अगर हम दो चीजें देखेंगे इन एबिलिटी टू पे डेट्स जो है उसके लिए सारे प्रोविजन कवर होंगे इनसॉल्बेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इसके लिए यूज होगा टू थाउजेंड सिक्सटीन के बेसिस पे और जो ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेट्स है उसके लिए अभी भी कंपनीज एक्ट 2013 के ही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे सो इफ यू सी देर आर डिफरेंट मोड्स सो बेसिकली देर आर टू मोड्स मेजर मोड्स में अगर देखा जाए तो दो मोड्स है एक तो हमको क्या करेगा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है एनसीएलटी जो है वो कंपलसरी वाइंडिंग अप करने बोलेगा कंपलसरी वाइंडिंग अप कब होगा जब आपकी कंपनी इन एबिल टू पे डेट्स में कवर होगी मतलब यू आर नॉट एबल टू पे डेट्स टू दी लाइबिलिटी होल्डर्स वी आर नॉट एबल टू पे टू दी सप्लायर्स मतलब हम हमारे जो शेयर होल्डर्स है हमारे जो सप्लायर्स है उन्हें हम प्रॉपरली पे नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केस में आईबीसी कवर होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड अगर ग्राउंड्स अदर देन इनेबिलिटी टू पे डेट्स मतलब आप पेमेंट तो कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे पांच कंडीशंस है जो पांच कंडीशंस के बेसिस पे आप अगर पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो हम पॉइंट्स आगे डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड्स अदर ग्राउंडिटी टूटल टू पे बट देर आर सर्टन पॉइंट्स वेयर द ट्रिब्यूनल थिंग्स दैट अभी इनको तो कंपल्सरी अप करना ही पड़ेगा बिकॉज आप ये पांच पॉइंट्स के अंदर आ रहे हो पांच पॉइंट्स कौन से हैं हम आगे डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट इज द वॉलेंट्री वाइंडिंगअप वॉलेंट्री अप में दो कंडीशन दो पॉइंट है अगर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन तक आपका वॉलेंट्री वाइंडिंगअप है खुद ही ने आपने सोचा कि अभी बिजनेस को बंद करता हो तो उसमें कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन एप्लीकेबल हो जाएगा एंड फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवनटीन या उसके बाद का अगर आपका वॉलेंट्री अप है तो दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड एप्लीकेबल हो जाएगा तो दिस इज द कंप्लीट चार्ट विच इज बीन गिवन टू यू तो ये कंप्लीट चार्ट से हम ये समझ सकते हैं कि

उजेंड थर्टीन एप्लीकेबल होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन तक और फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटीन से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी कोड एप्लीकेबल हो जाएगा अब हम ये देखेंगे कि राउंड अदर देन इन एबिलिटी तो कब ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है कब कोर्ट ऑर्डर देता है कि आपको अपना कंपनी जो, जो है वो क्लोज करना है वाइंड अप करना है तो बेसिकली अगर हम वाइंडिंग अप्रिब्यूनल की बात करें तो दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन ट्वेंटी सेवन सबसेक्शन वन तो वाइंडिंग अप्रिब्यूनल टोटल फाइव पॉइंट के बेसिस पे होगा मतलब अगर uh, ट्रिब्यूनल की बात करें तो वो किस बेसिस पे वाइंडिंग अप होगा तो सबसे पहले है कंपनी रिजोल्यूशन तो कंपनी क्या करेगा एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगा और उसके बेसिस पे जो कंपनी है वो क्लोज हो जाएगी दैट विल बी एज पर द ट्रिब्यूनल तो कंपनी रिजोल्यूशन से भी वाइंड अप हो सकता है नंबर सेकेंड मतलब कंपनी रिजोल्यूशन के बेसिस पे कोर्ट ऑर्डर करने वाला है ट्रिब्यूनल तो ट्रिब्यूनल रिजोल्यूशन पास कर ले और एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद वो बंद करे बिकॉज कंपल्सरी ट्रिब्यूनल ने कहा है हमारा सेकेंड पॉइंट है नेशनल इंटरेस्ट अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट अगर आपकी कंपनी ने अगर कुछ नेशनल इंटरेस्ट में काम किया है जैसे कि सोवेरनिटी इंटीग्रिटी सेक्युलरिज्म जो हमारे पॉइंट्स है जो अगर हम बात करें तो ये सारे इंडियन पॉलिटी के पॉइंट्स है तो हम अगर बात करें कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर हमारे कंपनी ने कुछ काम किया है इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में अगर कुछ काम किया है तो भी कोर्ट ऑर्डर करेगा ट्रिब्यूनल विल ऑर्डर की आपकी कंपनी को आपको बंद करना है फिर थर्ड पॉइंट है फ्रॉड अगर कुछ हमने फ्रॉड किया है तो फ्रॉड के बेसिस पे अगर हमने किसी के साथ चीटिंग की है किसी इन्वेस्टर्स के पैसे खा लिए हैं किसी इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग की है तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट के बेसिस पे एक नोटिफिकेशन निकलेगा और वो नोटिफिकेशन ट्रिब्यूनल निकालेगा दैट इज एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी फिर नंबर फोर्थ है डिफॉल्ट इन आ, फाइलिंग दी एनुअल रिटर्न अगर आपने अपने कंपनी का रिटर्न ही फाइल नहीं किया है लास्ट पाँच कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए तो भी आपको बिजनेस जो है वो कंपनी जो है वो वाइंड अप करनी पड़ेगी एज पर दी ट्रिब्यूनल एंड पॉइंट नंबर फिफ्थ जो लॉ ने अपने पास सुरक्षित तरीके से रखा हुआ है कि ना आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट में आते हो मतलब ये चारों पॉइंट में आप कवर अप नहीं होते हो फिर भी ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कंपनी बंद होनी ही चाहिए बिकॉज़ ये कंपनी का बंद होना ही सबके लिए सही है तो ऐसे केस में भी ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस तो दीज आर द फाइव पॉइंट्स वेयर दी ट्रिब्यूनल गिव्स एन ऑर्डर टू द कंपनी फॉर वाइंडिंग अप एंड दिस इज बीन कवर्ड एज पर द सेक्शन ट्वेंटी सेवन सबसे फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन क्लोज द बिजनेस वी कैन वाइंड अप द बिजनेस बाय

अगर कंपनी ने रिटर्न्स फाइल नहीं किए लास्ट पांच साल के लिए पांच ईयर से रिटर्न फाइल प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो भी क्लोज हो सकता है और इन सारे पॉइंट्स में भी अगर ऐसे लगता है ट्रिब्यूनल को कि ये सारे पॉइंट्स में तो कंपनी नहीं आता फिर भी इनको क्लोज होना ही चाहिए तो ऐसे केस में भी क्लोज करना पड़ेगा तो ये हमारा ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट है जो तो आपको ध्यान रखना है तो ट्रिब्यूनल के कंसेप्ट में ये सारे पॉइंट्स कवर तो अप हो जाएंगे अभी हम पिटीशन के बारे में पढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं हु कैन फाइल पिटीशन पिटीशन मतलब कौन कंपनी क्लोज करने के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है तो टोटल पांच लोग हैं ये अगर हम देखें तो पिटीशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 272 कवर होगा इसमें तो 272 सेक्शन कवर होगा कंपनी खुद फाइल कर सकता है पिटिशन क्लोज करने के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूटर ही फाइल कर सकता है कॉन्ट्रीब्यूटर में उनके शेयर होल्डर्स कवर होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटर कवर होंगे रजिस्ट्रार फाइल कर सकता है पिटीशन या फिर एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट खुद तो ये पांच लोग जो है ये पांच लोग पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस जो है वो वाइंड अप करना पड़ेगा तो ये पॉइंट्स हैं अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं अभी हमने क्या सीखा कि पांच लोग जो है फाइव पीपल फाइव पीपल फाइव पीपल क्या करेंगे पिटीशन फाइल करेंगे फाइव पीपल कैन फाइल द पिटीशन एज पर सेक्शन 272 हंड्रेड फाइव पीपल कैन फाइल द पिटीशन हु आर द फाइव पीपल वी हैव जस्ट नाउ लर्न दैट कि जो कंट्रीब्यूटर ये वो कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है रजिस्ट्रार कर सकता है जो कंपनी है वो खुद भी कर सकती है या एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वो लोग पिटीशन फ़ाइल कर सकते हैं पिटीशन किसके पास फ़ाइल करेंगे पिटीशन फाइल करेंगे एन के पास एन कौन है एन इज़ नेशनल कंपनी डॉट ट्रिब्यूनल अब एन क्या करता है एनसीएलटी कंपनी का सब कुछ डिटेल्स मांग लेगा मतलब कंपनी की हिस्ट्री मांग लेगा कंपनी के कितने असेट्स है कंपनी के कितने लाइबिलिटीज है सारी जो डिटेल्स है वो कंपनी के बेसिस पे मिलेगी और वो होगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे तो कंपनी के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ मतलब में, में बताया जाएगा फिर ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है फिर क्या होगा एनसीएलटी एक पर्सन को अपॉइंट करेगा एक पर्सन है समझो एक पर्सन को अपॉइंट करेगा दिस इज वन पर्सन इज द थर्ड पार्टी एंड ही विल बी कॉल्ड एज द लिक्विडेटर वो है एक लिक्विडेटर लिक्विडेटर क्या करेगा लिक्विडेटर सारे के सारे जो असेट्स है वो तो सेल करने वाला है सारे के सारे असेट्स को क्या करेगा वो सेल करेगा और सेल करके असेट्स को सेल करके क्या करेगा पे करेगा लाइबिलिटीज को so, तो ही विल बी सेटलिंग द लाइबिलिटीज एंड ही विल बी सेलिंग ऑफ असेट्स। और वी कैन ऑल्सो यूज अ वर्ड ओवर हियर कॉल्ड एज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स तो लिक्विडेटर का काम क्या है लिक्विडेटर का, का काम है असेट्स को रियलाइज करना और जितने पैसे आएंगे उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट करना बट ये जो लिक्विडेटर एनसीएलटी ने या ये जो लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है क्या वो लिक्विडेटर फ्री में काम करेगा तो फ्री में तो कोई भी काम नहीं करता है ये जो लिक्विडेटर काम करने वाला है ये सारा सेटलमेंट का उसके लिए वो एक अकाउंट प्रिपेयर करेगा ही विल बी प्रिपेयरिंग एन अकाउंट एंड दिस अकाउंट इज कॉल्ड एज लिक्विडेटर्स अकाउंट जो हमको हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बनाना है वो तो क्या बनाएगा एक लिक्विडेटर अकाउंट बनाएगा और वो लिक्विडेटर्स अकाउंट में वो सारी चीजें लिखेगा कि कितने पैसे आए और कितने पैसे उसने लाइबिलिटीज में पेमेंट कर दिए ये सारी चीजों को करते वक्त ही विल बी चार्जिंग वॉट ही विल बी चार्जिंग सम कमीशन तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे लिक्विडेटर्स कमीशन तो लिक्विडेटर्स को कमीशन देना पड़ेगा हमें लिक्विडेटर्स कमीशन और उसे रेम्यूनरेशन भी हमें देना पड़ेगा तो यही चीज हमें सीखनी है एंड आई होप कि दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये कंसेप्ट काफी इम्पोर्टेंट है तो इस चैप्टर में हमको बाकी कुछ नहीं सीखना है सिर्फ फॉर्मेट सीखना है लिक्विडेटर्स अकाउंट का वी हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स अकाउंट और उसमें हम ये सीखेंगे कि, कि कितने पैसे आए और कितने हमने सेटलमेंट कर दी तो जितनी सेटलमेंट कर दी वो हम सारे एक्सपेंसेस हमारे होंगे तो उस बेस पे विल बी प्रिपेरिंग है आगे बढ़ते हैं एक लास्ट पॉइंट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स काफी इंपॉर्टेंट है ये कभी कभी आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कभी आपको इसमें से थियोरी भी पूछी जाती है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 327 तो so, ये सेक्शन 327 में कवर होता है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या क्या पॉइंट आते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस सैलरीज एंड वेजेस हॉलीडे रेम्यूनरेशन कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और कॉम्पनसेशन इतने सारे पॉइंट्स हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कवर होंगे तो so, इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते बिकॉज हमको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने ही है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे फिर तो दैट्स वॉट दैट द कंसेप्ट रिलेटेड टू योर लिक्विडेशन सो आई होप की कंसेप्ट ऑफ लिक्विडेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वी ऑलो एवरी वन वेलकम बैक टू द न्यू डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ अ ऑफ कंपनीज सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूर फाइनेंशियल अकाउंटेंसी तो जो एफ ए का सिलेबस है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट द पार्ट रिलेटेड टू दी अंडर the ऑफ शेयर the the liquidation. Liquidation के कुछ बेसिक बेसिक चीजें हमने कंप्लीट कर ली है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट uh, है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए है सो टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन दमेशन दिस चैप्टर इज अ वास्ट टॉपिक काफी बड़ा चैप्टर है ये अमाल का और इस अमाल के चैप्टर में हमें क्या क्या चीजों को डिस्कस करना है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको पता चलेगा कि अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एक्चुअली होता क्या है वॉट इज द कंसेप्ट ऑफ अमालगमेशन वट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड इन द पेपर व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर सो बेसिकली इफ यू सी

सबसे पहला पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आपको याद रखना है अगर एमसीक्यू में पूछा गया तो यू नीड टू आंसर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील्स विद द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन ठीक है अमालगमेशन में जो भी रूल्स है जो भी प्रोविजंस है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से पॉइंट्स में दिए गए हैं दैट इज बीन गिवन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमालगमेशन होता क्या है अमालगमेशन इज नथिंग बट तो यहाँ पे अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें तो आपको थोड़ा सा मैटर और क्लियर होगा आ, चलो सेफ फॉर एग्जाम्पल थोड़ा अच्छी तरीके से देखते हैं दिस इज दिस इज दी बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड ये ए लिमिटेड का बिजनेस है और यहाँ पे एक दूसरा बिजनेस है और ये बिजनेस है बी लिमिटेड तो हो क्या रहा है ए लिमिटेड इज earning 100 crores profit and similarly b limited is earning 75 crores profit now a limited want to become a giant in the market a limited ko market mein kafi acha business karna hai apne business ko grow karna hai apne business ko badhana hai और एक अच्छी situation create करनी है आ, कि मार्केट में उसका नाम काफ़ी अच्छा रहे ए लिमिटेड का तो ए लिमिटेड क्या करेगा ए लिमिटेड तो है वो एक्वायर कर लेगा बी का बिजनेस वॉट द कंसेप्ट इज ए लिमिटेड इज गोइंग टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड ए लिमिटेड इज गोइंग टू एब्जॉर्ब बी लिमिटेड मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस जो है वो एक्वायर कर रहा है उसको परचेस कर रहा है A limited is earning 100 crores of profit and B limited is earning 75 crores of profit. If you see the example, obviously B limited is a small company in comparison with A limited, and that is why A limited is doing what? A limited will acquire the business of B limited. So A limited, B limited ka business acquire कर or और situation में फिर एक concept आता है am amalgamation में and that is called as absorption. रिपीट अगेन दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एस एब्जॉर्न इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्विजीशन एब्जॉर्शन बोल सकते हैं है, या फिर सिंपल शब्दों में इसे हम परचेज कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ परचेज एंड डू रिमेम्बर दैट ए लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड तो ऐसे केस में ऐसे केस में बी लिमिटेड को ए लिमिटेड क्या पेमेंट करेगा बी लिमिटेड को ए लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन के बेसिस पे पेमेंट करेगा दैट मीन्स जो भी पेमेंट करेगा ए लिमिटेड बी लिमिटेड को उसे हम क्या कहेंगे दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज परचेज कंसेप्ट क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड को अपना बिजनेस फ्री में बेचेगा नहीं बी लिमिटेड क्या कहेगा बी लिमिटेड बोलेगा मुझे कैश पेमेंट चाहिए या बी लिमिटेड कह सकता है मुझे कैश पेमेंट के साथ कैश पेमेंट के साथ शेयर्स का भी पेमेंट चाहिए क्या चाहिए कैश पेमेंट के साथ शेयर्स का भी पेमेंट चाहिए सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन आई होप दिस एग्जांपल नंबर वन इज क्लियर टू यू इट्स वेरी सिंपल व्हेन वन कंपनी एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी देन

इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि परचेस कंसिडरेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट कौन सा ले ओल्ड कंपनी का लेना है या न्यू कंपनी का लेना है सिंपल कंसेप्ट है जब हम परचेस कंसिडरेशन को कैलकुलेट करते हैं तो आपको याद रखना है अमाउंट इज ऑलवेज टेकन ऑफ ओल्ड कंपनी तो इन दिस एग्जाम्पल ओल्ड कंपनी इज बी लिमिटेड तो हम अमाउंट भी परचेस कंसिडरेशन में बी लिमिटेड का ही लेंगे तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ दैट इज एब्जॉर्बशन का ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ते है और एक एग्जाम्पल लेंगे अभी ताकि आपको थोड़ा सा मैटर क्लियर हो जाए ये यहाँ पे हमारा एक कंपनी ठीक है ये दूसरा कंपनी इधर दूसरा कंपनी ठीक है और ये हमारी तीसरी कंपनी है यहाँ पे ए, काफी सिंपल कैलकुलेशन है ध्यान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सो दिस इज ए लिमिटेड

ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है वो दोनों के दोनों सेम प्रॉफिट में डील कर रहे हैं अगर दोनों के दोनों सेम प्रॉफिट में डील करेंगे तो ना ए बी लिमिटेड को टेक ओवर कर सकता है ना बी लिमिटेड ए लिमिटेड को टेक ओवर कर सकता है ऐसे केस में क्या होता है ऐसे केस में दोनों के दोनों कंपनीज जो है वो आपस में मिलके एक नई कंपनी फॉर्म होती है दैट दिस इज कॉल्ड एज सी लिमिटेड या फिर एक नई कंपनी फॉर्म हो सकती है जिसका वो नाम रखेंगे ए बी लिमिटेड तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो नाम क्या रखना चाहते हैं बट ऐसे केस में अगर हम ध्यान दें तो ऐसे केस में न्यू कंपनी कौन है तो यू विल से सर न्यू कंपनी है हमारा सी लिमिटेड बी लिमिटेड इज ओल्ड कंपनी बिकॉज वो भी ओल्ड है ओल्ड कंपनी ए लिमिटेड भी ओल्ड है अगर ए लिमिटेड ओल्ड है बी लिमिटेड ओल्ड है तो यहाँ पे दो ओल्ड कंपनी है तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो ओल्ड कंपनी रहेंगे या तो जब कभी भी एक ओल्ड कंपनी रहेगी तो आपको कैलकुलेशन तो परचेस कंसिडरेशन का दोनों केस में करना है तो यहां कंसिडरेशन जिसको हम शॉर्ट में पी बोलते हैं तो परचेस कंसिडरेशन दो आएंगे टू परचेज कंसिडरेशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेन दर इज अ कंसेप्ट ऑफ मर्जर दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज

तो हमने कैलकुलेशन करना भी सीखना है तो सबसे पहले वी विल बी लर्निंग द मेथड ऑफ परचेस कंसिडरेशन देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं काफी सिंपल पॉइंट है ध्यान रखू मेथड्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन क्या कौन से कौन से मेथड ऑफ परचेस कंसिडरेशन होते हैं सबसे पहला आपका होता है नेट असेट्स मेथड काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कौन सा होता है नेट सेट मैथड ठीक है दूसरा सेकेंड हमारा होता है दैट इज नेट पेमेंट मेथड कौन सा होता है नेट पेमेंट मेथड ओके हर एक कलर से लिखेंगे फिर तीसरा लिखते हैं ऑरेंज कलर से फिर तीसरा थर्ड हमारा होता है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड कौन सा होता है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड और जो हमारा फोर्थ होता है फोर्थ हमारा मेथड है लमसम मेथड एल यू एम पी एस यू एम लमसम मेथड कौन सा होता है लमसम मेथड तो इफ यू सी द पार्ट नेट असेट्स मेथड यह आपका एस वाई में हो चुका है यही आपका मेथड अभी भी कंटिन्यू होगा नेट पेमेंट मेथड इज अ न्यू मेथड फॉर यू इंटरेंसिक वैल्यू मेथड आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा लमसम मेथड भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा लमसम मेथड का मतलब होता है डायरेक्टली परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करके ही आपको दे दिया है बट ऐसा तो सिचुएशन होगा नहीं कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना है लमसम मेथड की बेस लमसम मेथड में क्या होता है परचेस कंसिडरेशन तीन लाख तो ऐसा अगर परचेस कंसिडरेशन डायरेक्टली दे देंगे तो आप फिर क्या कैलकुलेट करोगे इसीलिए लमसम मेथड विल नेवर बी आस्क इंटरनसिक वैल्यू मेथड पहले एक चैप्टर होता था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो उसके बेसिस पे एक वैल्यू मेथड होता था बट अभी आपको दो मेथड्स के ऊपर पूछा जाएगा वन इज नेट मेथड एंड इज कॉल्ड एज नेट पेमेंट मेथड एंड नेट असेट्स मेथड और नेट पेमेंट मेथड दोनों से आपको परचेस कंसिडरेशन के कैलकुलेशन सीखने हैं तो वी विल बी लर्निंग इन मच डिटेल परचेस कंसिडरेशन के कैलकुलेशन अभी अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन वाइज क्या क्या पूछा जा सकता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है तो इस पूरे चैप्टर में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है हमें सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन ढूंढना है और परचेज कंसिडरेशन ढूंढने के बाद हमें जर्नल एंट्री सीखनी है इसके बुक्स में न्यू कंपनी के बुक जर्नल एंट्रीज इन द न्यू कंपनी ओके काफी सिंपल है इन बहुत लेंथी चैप्टर है फिर सेकेंड जो पॉइंट होता है सेकेंड पॉइंट इज अगेन वी आर कैलकुलेटिंग द परचेज कंसिडरेशन एंड वी नीड टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं किसके बुक्स में इन ओल्ड कंपनी ओल्ड कंपनी के बुक्स में हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है लेजर अकाउंट और नंबर थर्ड हम लास्ट में फिर प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट वी आर प्रीपेयरिंग वॉट बैलेंस शीट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस सो सिंस द क्वेश्चंस व्हिच विल बी एज एन एमसीक्यू तो एमसीक्यू में इतना सब कुछ एक साथ तो पूछा नहीं जाएगा कि जर्रल एंट्रीज भी करो लेजर भी बनाओ बैलेंस शीट भी बनाओ तो आपको इसके मेजर मेजर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जैसे कि नेट असेट्स मेथड से परचेस कंसिडरेशन ढूंढो नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करो परचेज कंसिडरेशन ड्यू की जनरल एंट्री क्या होगी परचेस कंसिडरेशन सेटल्ड की एंट्री क्या होगी या फिर अभी का अगर अनरियलाइज प्रॉफिट आपको दिया है तो उसकी एंट्री क्या होगी धीरे धीरे सीखेंगे सारी चीज़ें सीखेंगे आई होप कि आपको ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का इसमें से कुछ बेसिक्स चीजें चीज़ें चीज़े जो है वो पता चली होगी कि एग्जैक्टली exactly हमें इस चैप्टर में क्या करना है किस तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है सो so दैट इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे या जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे सही हो तो दैट वॉज टूडेज पार्ट दैट वी हैव डिस्कस टूडे इन दिस लेक्चर तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कवर करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडर